प्रतापनगर क्षेत्र पहले से ही काले पानी की एक सजा भुगत रहा है, और जब से डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है और स्वागत हुआ है, तब से लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पे जो है सरकारी बस की व्यवस्था हो, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको जो है 65 वर्ष की जो उम्र है, और यहाँ तक आप देखते हैं कि जितना ये पिछड़ा इलाका है, ज़्यादातर लोग बच्चे ऋषि के जीवन में रहते हैं, तो कम से कम बुजुर्गों के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक कहने पर उन्होंने 3 बस सेवाएँ जो है प्रतापनगर विधानसभा के लिए जो है शुरू की है। उसके लिए मैं और अपने ओर से भी और सभी ग्रामवासियों की ओर से भी उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से विकास अगर इस क्षेत्र का होगा तो निश्चित रूप से जो है यहाँ के जो पलायन है वो पलायन रुकेगा, और यहाँ के लोगों का जो है चौमुखी विकास की ओर ये क्षेत्र जाएगा।